पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड पर गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से राजधानी समेत दक्षिणी भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा और झोंके के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा का प्रवाह जारी रहेगा। बिहार में मॉनसून के तेज प्रभाव के कारण गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और बक्सर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो दिनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा का प्रभाव बना रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा दर्ज हुई है। रोहतास के संझौली में 82.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। सोमवार को पटना और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना रहा। राजधानी में शुक्रवार शाम 7 बजे तक 0.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम में बदलाव के कारण पटना सहित 30 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 3.3 डिग्री गिरावट के साथ 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 33.7 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बिहार के कुछ जिलों में मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आज फिर से 11 जिलों में ये अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो रोहतास में जमकर बारिश हुई है। बेगूसराय में भारी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।